आज सरकार के साथ में किसान संगठनों की 12वीं दौर की बैठक होनी है। किसान आंदोलन खत्म करने के प्रस्ताव पर यह बैठक होगी और किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया है पहले ही, क्योंकि सरकार ने कृषि कानून के 1.5 साल तक निलंबित रहने का प्रस्ताव जो भेजा था किसानों को, सरकार का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया उन लोगों ने और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर आज किसान संगठन और सरकार के बीच 12वें दौर की वार्ता होगी। पिछले दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों के सामने नए कानून पर 1.5 साल तक रोक लगाए जाने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मीटिंग में ये फैसला लिया गया, जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने। दूसरी तरफ गुरुवार को किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। किसान 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कोरोना की वजह से और हिंसा फैलने की आशंका से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली को इजाजत नहीं दे रही है। इस बीच किसानों के ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां जोरों पर हैं। पंजाब और हरियाणा से लगातार बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि आज किसानों की सरकार के साथ वार्ता के अलावा दिल्ली पुलिस के साथ वार्ता में भी क्या समाधान निकलेगा।